नमस्कार, स्वागत है आपका आज की तारीख में। देश के सबसे अमीर शख्सियत मुकेश अंबानी के घर बहू आने वाली है। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश की शादी हीरा कारोबारी रसल मेहता की बेटी श्लोक से होने जा रही है। अंबानी परिवार के साथ श्लोक ने मुंबई के सिद्धिविनायक के दर्शन किए। अंबानी परिवार के बारे में देश तो जानता है, लेकिन श्लोक कभी भी सुर्खियों में नहीं रही। तो आज आपको देश के सबसे अमीर परिवार की बहुरानी की कहानी दिखाते हैं। प्यार हुआ, फिर इकरार, और अब एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं आकाश और श्लोका। श्लोका ने आकाश से रिश्ते को लेकर पहली बार बात की है। बॉम्बे टाइम्स से श्लोका ने कहा है, काफी व्यस्तता के बावजूद भी हम एक दूसरे से मिलने के मौके ढूंढ लेते थे। आकाश जमीन से जुड़े हुए इंसान है। एक दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए हम हमेशा साथ रहते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे प्यार की शुरुआत अच्छी दोस्ती से हुई और हमारे इस रिश्ते को परिवार का समर्थन मिला। सगाई से पहले ये दोनों परिवारों के मिलने का कार्यक्रम बच्चों ने ही बनाया था और जश्न की ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की हैं। गोवा के होटल में जश्न मना, जिसका गवाह पूरा गोवा इन आतिशबाजियों से हुआ। श्लोका से शादी को लेकर आकाश ने बॉम्बे टाइम्स से बात की। मैं बहुत खुश हूं कि हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और आज मैं और श्लोका शादी कर रहे हैं। श्लोका एक दयालु लड़की है और मेरे लिए श्लोका बहुत स्पेशल है। आकाश और श्लोका ने साथ में ही पढ़ाई की है। आकाश के साथ श्लोका मुंबई में ही धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी। श्लोका की शुरू से ही रुचि समाज सेवा में रही है, इसीलिए स्कूलिंग खत्म करते ही श्लोका साल 2009 में मानव शास्त्र की पढ़ाई करने अमेरिका चली गई। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र में श्लोका ने 2013 में ग्रेजुएशन किया। श्लोका की यह तस्वीर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की है। इसके बाद श्लोका ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से कानून में मास्टर डिग्री 2014 में हासिल की। हिंदुस्तान लौटने के बाद 2014 में श्लोका ने रोजी ब्लू फाउंडेशन ज्वाइन किया। आपको बता दें कि रोजी ब्लू डायमंड श्लोका के पिता रसल मेहता की कंपनी है, लेकिन परिवार के कारोबार से ज्यादा रुचि श्लोका की समाज सेवा में रही, इसलिए वो रोजी ब्लू फाउंडेशन में डायरेक्टर बनी। ये तस्वीरें कंपनी की मीटिंग्स की हैं। रोजी ब्लू फाउंडेशन सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्र में काम करती है, साथ ही डायमंड कारोबार की समस्याओं पर रोजी ब्लू फाउंडेशन यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट कम्युनिकेशन के साथ काम कर रही है। श्लोका के आने से पहले रोजी ब्लू फाउंडेशन कंपनी के कर्मचारियों की मदद किया करती थी। श्लोका ने ही इसे सामाजिक सुधार की दिशा में पहल करने वाला बनाया। यही काम करते हुए साल 2015 में श्लोका को कनेक्ट फॉर का आइडिया आया। इसके पीछे की सोच थी गैर सरकारी संगठनों से वॉलंटियर्स को जोड़ना। कनेक्ट फॉर ऐसे 100 एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं जो शिक्षा, बच्चे, युवा, पर्यावरण, सामाजिक विकास, मानवाधिकार, वरिष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य और दवाओं पर काम करती है। कनेक्ट फॉर ने 3000 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी है जो एनजीओ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। श्लोका ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कॉलेज से ही समाज सेवा की शुरुआत कर दी थी। विदेश में पढ़ने के दौरान छुट्टियों में मुंबई लौटने पर वो समाज सेवा ही किया करती थी। इसी तरह उन्हें विश्वास हो गया कि वो सोशल सेक्टर में ही अपना योगदान दे सकती हैं। हीरा कारोबारी के परिवार से होने के बावजूद श्लोका की रुचि हीरे से ज्यादा मानवता में रही। श्लोका का मानना है कि पैसा आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इंसान की जगह नहीं ले सकता। शायद यही वजह है कि धन को अहमियत न देने वाली श्लोका आज देश के सबसे धनवान घराने की बहू बनने जा रही है। कल जब पूरा अंबानी परिवार सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन के लिए पहुंचा, तो श्लोका भी साथ थी। अंबानी परिवार में शामिल हो रही श्लोका की अपने ससुराल वालों के साथ ये पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। मुकेश अंबानी परिवार, पूरा परिवार जो है मुंबई के सिद्ध विनायक मंदिर में पहुंचा।
बहू श्लोका और आकाश अंबानी और मुकेश अंबानी सब लोग यहां पर आए हुए हैं, तो पूरा परिवार जो है पहुंचा है यहां पर सिद्ध विनायक मंदिर में। खबर है कि 3 महीने बाद जून में आकाश और श्लोका की सगाई होगी और इसी साल के आखिर तक दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। गुजरात के सोमनाथ जिले में कार्यक्रम में लाखों रुपए के करारे नोट हवा में उड़ा दिए गए। नोट उड़ाने वालों में बीजेपी की महिला सांसद और कांग्रेस का विधायक भी शामिल था, और यह सब कुछ हुआ एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान। देखिए, ये 30 लाख रुपयों के नोटों की बारिश है और ये 30 लाख रुपए की बड़ी रकम लोगों ने बीजेपी की महिला सांसद और कांग्रेस विधायक के सामने उड़ाई। हद तो हो गई तब जब दोनों नेताओं ने लोगों को रोकने की जगह हाथ में गड्डियां लेकर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। नोटों की ये बारिश क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहां जानना जरूरी है कि नोटबंदी के बाद से सरकार ने 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद लेन देन में रोक लगाई हुई है। घर में नकद पैसा रखने की सीमा भी तय कर दी गई है, और अगर कोई नकद लेन देन और नकद पैसा रखने के लिए नियम तोड़ता है तो उस पर कार्रवाई का कानून है। तब सवाल उठता है कि एक सांसद और विधायक के सामने कानून कैसे टूटा। सवाल ये भी कि इतना नकद पैसा कैसे एक साथ लोगों के पास आ गया, किस बैंक से कैसे नए नए नोट निकाले गए और रखे गए, स्थानीय आयकर या प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। मंच पर और मंच के नीचे हर तरफ नोट ही नोट हैं। इतने हैं कि अगर आप गिनना भी चाहें तो आसानी से गिन नहीं पाएंगे। नोट उड़ा रहे लोगों के हाथ में 10 और 20 रुपए के नोटों की गड्डियां हैं, और देखिए किस तरह से वे इन्हें कलाकारों के ऊपर उड़ा रहे हैं। जमीन पर इतने नोट पड़े हैं कि उन्हें उठाने के लिए 2 लोगों को चादर लानी पड़ी। गुजरात के सोमनाथ के बोड़ीदार गांव में अहिर एकता महोत्सव का कार्यक्रम था, जिसमें बीजेपी सांसद पूनम बेन और कांग्रेस विधायक अमरीश भाई डेर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। ये दोनों ही अहिर समाज से आते हैं। कार्यक्रम में गुजरात के मशहूर धार्मिक गायक कीर्तिदान गढ़वी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोग मंच पर पहुंचे और कलाकारों के ऊपर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। लोगों को नोट उड़ाता देख सांसद साहिबा और विधायक जी भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी नोटों की बारिश शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसद पूनम बेन और कांग्रेस विधायक अमरीश भाई डेर के हाथों में 20-20 रुपए के नोटों की गड्डी है जो वो हवा में उड़ा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों नेता जिस तरह से इस पैसे को उड़ा रहे हैं, क्या इसी तरह से जनता के कामकाज भी करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूनम मैडम गुजरात के जामनगर से बीजेपी सांसद हैं। वो राजनीति के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। संसद में 82% उपस्थिति दर्ज कराने वाली सांसद पूनम मैडम ने अपने कार्यकाल में अब तक 272 सवाल पूछे हैं। सांसद पूनम बेन मैडम साल 2015 में उस वक्त भी चर्चा का विषय बन गई थी जब उन्होंने कार्यक्रम में डांस किया था और लोगों ने उन पर नोट उड़ाए थे।
अगर बात करें कांग्रेस विधायक अमरीश भाई की, तो अमरीश भाई डेर गुजरात की राजुला विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुनकर आए हैं। कांग्रेस विधायक अमरीश भाई पटेल को 3 साल के लिए विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। उन पर विधानसभा सत्र के दौरान विधायक से मारपीट का आरोप है। बताया जा रहा है कि 4 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में लोग मंच पर आते रहे और नोट उड़ाते रहे। एक अनुमान के मुताबिक इस तरह करीब 25 से 30 लाख रुपए हवा में उड़ाए गए। सबसे बड़ी बात यह कि पैसे के साथ कानून की पतंगबाजी बीजेपी की सांसद और कांग्रेस विधायक के सामने की गई। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे धार्मिक गायक कीर्तिदान गढ़वी की बात करें तो ये पहली घटना नहीं है जब उन पर किसी ने इस तरह से नोटों की बारिश की हो, बल्कि इससे पहले भी कई बार उन पर नोट उड़ाने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। आ रहा हूं मैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।